हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे, है ना? ओके, तो हमने ये थर्ड चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिया। उसकी क्वेश्चन आंसर भी आपको कंप्लीट हो गए, मीनिंग भी हो गए, एमसीक्यू भी हो गए, भाषा संसार भी हो गए। तो अब जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है? कितने लोगों ने देख लिया है चैप्टर? चलो, मैंने देख लिया है, आप में से कितने लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने? ओ, तो अभी जितने लोगों का बाकी है वो सब भी एक बार देख लेना चैप्टर, वरना तो आज हम देखेंगे ही, है ना? ओके, तो ये जो चैप्टर है हमारा वो कुछ ऐसे, ये जो मौसम है और जो एनवायरनमेंट है उसके रिलेटेड है ना? तो बहुत मजा आएगा। अभी एनवायरनमेंट में कितना ये सब हो रहा है, बार बार हम टीवी में भी, ये न्यूज़ में भी देखते हैं कि ये हो गया एनवायरनमेंट में, ये कम हो गया है, ओजोन वायु की मात्रा है कम हो गई है, प्राणवायु है, प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन, उसकी मात्रा भी कम हो रही है, CO2 यानी कि कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी मात्रा बढ़ रही है। तो ऐसे ऐसे न्यूज़ आप देखते हो? कौन कौन नहीं देखता अभी? देखते हो? ओके, अच्छा है। तो अभी ऐसे ऐसे न्यूज़ है वो बार बार उसमें आते हैं। आपके साइंस में भी ऐसे चैप्टर होंगे कि ये जो एनवायरनमेंट है उसके रिलेटेड होते हैं। तो ये सब चैप्टर है वो क्यों इसमें आते हैं, उसका कुछ रीज़न तो होगा ना? क्या रीज़न होगा उसका? हाँ, कितने लोगों को पता चला रीज़न क्या होगा? क्या होगा उसका रीज़न? क्योंकि हम सबको पता चले कि अभी एनवायरनमेंट में ऐसा ऐसा हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना? कि प्रदूषण की मात्रा कम हो, पानी कम से कम, उसको पानी को सेव करके रखें, ऐसे सेव वाटर, सेव एनवायरनमेंट, है ना? ये सब हम देखते हैं रोड पे, ये गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो इधर उधर लिखा हुआ होता है सब जगह पे, देखते हैं हम सब, लेकिन हम उसको फॉलो करते हैं। हमें थोड़ा बहुत फॉलो करना है उसको, थोड़ा बहुत मैं फॉलो करूँगा, थोड़ा बहुत आप सब फॉलो करेंगे, तो इतने कितने सारे लोग हैं वो इन्वायरमेंट की चिंता करने वाले हैं, वो धीरे 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 बढ़ जाएंगे। तो एनवायरनमेंट को फायदा होगा ना कि नुकसान होगा? एनवायरनमेंट अच्छा है तो हमारे हेल्थ भी कैसी होंगी, अच्छी रहेंगी, है ना? तो ऐसा एक चैप्टर है हमारा हिंदी का, कौन सा है ऐसा चैप्टर, कौन सा होगा, है ना? तो इस तरह एनवायरनमेंट का भी एक चैप्टर है कि हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, हम क्या करेंगे तो एनवायरनमेंट को फायदा होगा, है ना? तो देखते हैं। एज ए प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 4 पृथ्वी को चढ़ा बुखार, उसका पार्ट 1 देखने वाले हैं। कौन सा पार्ट देखने वाले हैं आज हम? कौन सा पार्ट 1, समझ गए? इसमें लिखा नहीं है लेकिन फिर भी हम देखते हैं पार्ट 1 को। तो देखो क्या है, पृथ्वी को चढ़ा बुखार, तो देखेंगे आज हम पृथ्वी को चढ़ा बुखार।
अभी रास्ते का दृश्य है, तो उसमें अनुपमा अपनी दीदी के साथ विद्यालय से घर जा रही है। उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ है। जो ये अनुपमा है वो अपनी दीदी के साथ कहाँ जा रही है? विद्यालय से घर जा रही है। विद्यालय मतलब स्कूल, तो स्कूल से कहाँ जा रही है? लोग घर जा रहे हैं। दीदी ने पूछा अनुपमा को, क्या हुआ अनु, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्यों दिख रही हो? तुमने कोई गलत काम किया है क्या? उसने पूछा कि भाई तुम इतनी उदास क्यों हो? कोई गलत काम हो गया है तुमसे? वो तो बड़ी है तो पूछ सकती है ना। तो अनुपमा, नहीं दीदी, बस ऐसे ही, मेरा मन ठीक नहीं है। उसने कहा कि नहीं, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे मन में कुछ अलबल चल रही होगी, उसके मन में कुछ। पृथ्वी को चढ़ा बुखार। तो उसने कहा कि अनुपमा अपनी दीदी के साथ विद्यालय से घर जा रही थी और उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ था। तो उसकी दीदी ने पूछा, क्या हुआ अनु, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? तुमने कोई गलत काम किया होगा। उसकी बहन को कुछ ऐसा लगा कि कुछ काम ऐसा गलत किया है तूने आज। अनुपमा, नहीं दीदी, बस ऐसे ही, मेरा मन ठीक नहीं है। उसने कहा कि है, लेकिन कुछ मन ठीक नहीं, कुछ हुआ नहीं, ये अच्छी बात है, कुछ हुआ नहीं है। दीदी, अरे बताओ तो क्या हुआ? अनुपमा, आज अध्यापिका ने बताया कि पृथ्वी को बुखार आ रहा है। उसके जो मैम थे, अनुपमा के अध्यापिका यानी कि मैम टीचर, तो उसने बताया कि पृथ्वी को बुखार आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो टाइटल है वो आ गया है हमारा, पृथ्वी को बुखार आ रहा है। क्या हुआ है? पृथ्वी को बुखार आया है। ऐसा कैसे हो सकता है? पृथ्वी को बुखार आता है? समझ में नहीं आ रही है बात। ऐसा हो रहा है हो रहा है ना। अभी दिन प्रतिदिन देखो तो टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर हो रहा है ना ज़्यादा। देखते हैं कितना धूप लगता है, बाहर निकलते हैं तो ये सब जलने लगता है। तो ये धूप की वजह से क्या हो रहा है अभी? इसीलिए अनुपमा के टीचर ने बताया कि पृथ्वी को क्या हो रहा है? बुखार आ गया है। इसीलिए बोला, दीदी क्या? अनुपमा, यह सच है कि पृथ्वी बीमार हो गई है, उसका तापमान बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? उसका तापमान बढ़ रहा है, उसका तापमान बढ़ रहा है। अगर पृथ्वी ऐसे ही बीमार रही तो हम सब उसके साथ बीमार हो जाएंगे। क्या होगा? यदि पृथ्वी बीमार रही ऐसे तो उसके साथ हम भी बीमार हो जाएंगे, जीना तो मुश्किल हो जाएगा ना। क्यों? हम सब कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे। तो पृथ्वी को प्रॉब्लम होगा तो उसका मतलब है कि हमें भी प्रॉब्लम होगा, है ना। इसीलिए बता रही है अनुपमा कि हमारे टीचर ऐसा बोल रहे थे कि पृथ्वी को बुखार आ गया है। और इसी तरह देखो, पृथ्वी बीमार रही तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? हम भी बीमार हो जाएंगे ना, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी के ऊपर। तो पृथ्वी को प्रॉब्लम तो हमें भी प्रॉब्लम होता है ना। मान लो हम घर में रहते हैं तो घर की छत में प्रॉब्लम होता है तो किसको प्रॉब्लम होता है? हमें ही होता है ना, कि भी पानी बार 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 उसमें से गिरेगा।
तो छत को भी प्रॉब्लम है और हमें भी प्रॉब्लम है, इस तरह पृथ्वी बीमार हो गई तो पृथ्वी को भी प्रॉब्लम है और साथ साथ कौन फंसेगा, हम भी। तो इसीलिए बता रहे कि पृथ्वी को क्या चढ़ गया है, बुखार। ऐसा कैसे हो सकता है सर, पृथ्वी को थोड़ी ना बुखार आएगा, ऐसा कोई सोच रहा होगा, है ना, कितने लोग सोच रहे थे। लेकिन आप न्यूज पे देखते हो, न्यूज़पेपर पे देखते हो कि दिन प्रतिदिन टेम्परेचर क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। न्यूज़पेपर भी, न्यूज़पेपर में भी आता है कि गर्मी के मौसम में क्योंकि तापमान बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन पोल्यूशन की वजह से, है ना। इसीलिए दीदी क्या तुम सच बोल रही हो, अनुपमा दीदी अध्यापिका ने कहा है, कहा कि यदि बारिश नहीं होगी तो गर्मी बढ़ेगी, सब जीव जंतु के साथ हम भी खत्म हो जाएंगे। वो भी बात सही है, दोनों सिस्टर है, आपस में बातें करते करते घर जा रहे हैं स्कूल से घर। वो बोल रही थी कि टीचर बोल रहे थे कि क्या होगा, बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, गर्मी बढ़ जाएगी और गर्मी बढ़ जाएगी तो सब जीव जंतु के साथ हम भी खत्म हो जाएंगे, है ना। क्योंकि ज़्यादा तापमान होता है ना तो कुछ छोटे छोटे जीव है वो नहीं रह सकते, उसका जीना मुश्किल हो जाता है। हम तो ऐसे चले जाते घर में, ये जाकर एसी का बटन ऑन कर दिया, है ना। तो सिर्फ हमारे रूम में ही है ऐसा, ठंडक ठंडा हो जाता है, लेकिन बाहर जाते तो गर्मी तो है ही, है ना। तो इसलिए क्या होगा, धीरे धीरे करके सब जीव जंतु भी खत्म हो जाएंगे और उसके साथ साथ क्या होगा, सब खत्म हो जाएंगे। इसीलिए बता रही है अनुपमा कि हमारे टीचर ये बता रहे थे कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, तो ये अच्छा है। कौन बोल रहा है अच्छा है, कोई नहीं। तो इस तरह क्या होगा, पृथ्वी धीरे धीरे करके, पृथ्वी धीरे धीरे मनुष्य के रहने के लायक नहीं रहेंगी, होगा ना ऐसा। क्योंकि क्या होगा, तापमान बढ़ता जाएगा, हम नहीं रह सकेंगे इस पे, तो प्रॉब्लम तो होगी ना। घर पहुंचने पर अनुपमा और उसकी दीदी घर में दादाजी को आया देखकर बहुत खुश हुए। उसके जो दादाजी है वह भी घर पे आए हुए थे, तो उसको देखकर वो क्या हो गए, खुश हो गए कि हमारे दादाजी घर पे आए हैं, है ना। दादाजी को देखकर सब खुश होते हैं। तो घर पहुंचने पर अनुपमा और उसकी दीदी घर में दादाजी को आया देखकर बहुत खुश हुए। अनुपमा और दीदी नमस्ते दादाजी करते हैं ना, रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम भी करते हैं, करते हैं ना, हम भी, कौन कौन नहीं करता, सब भी हमारे स्टूडेंट सब अच्छे ही है, रिस्पेक्ट करते ही है। दादाजी नमस्ते बेटा। दीदी दादाजी आप कैसे हैं। दादाजी बेटा मैं तो ठीक हूँ, परंतु गांव का हाल बहुत बुरा है। माँ आते हुए क्यों, क्या हुआ पिताजी। दादाजी पता नहीं, दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, मार्च अप्रैल में बारिश हो जाती है और इतनी तेज बारिश की कटाई के लिए तैयार फसल खराब हो जाती है। जून जुलाई में जब सारा खेत जोतकर बारिश का इंतजार करते हैं तो बारिश ही नहीं होती और बुआई शुरू नहीं हो पाती। जानती हो पिछले वर्ष बारिश कब हुई थी, सितंबर में।
कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। ऐसे में मौसम के अनुमान के बिना कोई खेती कैसे कर सकता है। दादाजी ने बताया कि अभी ऐसे पता नहीं दुनिया में सब कुछ बदल रहा है। उसने बोला कि गांव का हाल बहुत बुरा है, तो माँ को लगा कि कोई बीमार होगा। उसने पूछा कि क्या हुआ पिताजी, तो दादाजी ने बताया कि पता नहीं दुनिया में सब कुछ बदल रहा है। वो कैसे, तो मार्च और अप्रैल में बारिश हो जाती है, कभी कभी हमारे भी होती है पता है ना, और हम न्यूज़ में देखते कि ये स्टेट में ये सिटी में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो गई मार्च अप्रैल में। तो मार्च अप्रैल थोड़ी ना बारिश का मौसम है, बारिश के महीने है वो नहीं है। तो इतनी तेज बारिश की कटाई के लिए तैयार फसल खराब हो जाती है। मार्च और अप्रैल में क्या होती है, जो फसल है वो एकदम से रेडी हो जाती है, उसको काट काट कर उसको रेडी करना होता है। तो क्या हो जाता है, बारिश होने की वजह से सारा नुकसान हो जाता है। जून जुलाई में जब सारा खेत जोत कर बारिश का इंतजार करते हैं, जून और जुलाई में क्या होता है, बारिश होती है तो सब लोग इंतजार करते हैं। ऐसे किसान लोग देखते हैं वो बादल दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, अभी बारिश नहीं होगी, तो इस तरह देखते कब, तो जून और जुलाई में वो बारिश के महीने हैं तो तब होती नहीं, जब चाहिए तब होती नहीं, जब नहीं चाहिए तब बारिश हो जाती है। और बारिश होती है सितंबर में, तो सारा काम लेट 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 चलता है, फसल भी नहीं ले सकते। तो इस तरह अनुपमा, हाँ दादाजी, आज हमारी अध्यापिका ने भी हमें यही बात बताई कि मौसम बदल रहा है, हमारी पृथ्वी बीमार हो रही है। दादाजी, पृथ्वी को कैसे बीमार हो सकती है। दादाजी, अरे बेटा कलयुग आ गया है, पता नहीं प्रकृति अपना रूप क्यों बदल रही है। दादाजी बता रहे कि ये क्या स्टार्ट हो गया, कलयुग स्टार्ट हो गया है अभी। ये कलयुग यानी क्या है, तो चार युगों में से अंतिम और वर्तमान युग, जिसमें पाप और अनीति की प्रधानता मानी जाती है। तो इस तरह बोल रहे हैं कि ये जो है ये क्या हो गया है, क्या स्टार्ट हो गए, कलयुग, पाप और अनाचार, ये सब पोल्यूशन, ये सब बढ़ता जा रहा है। तो दादाजी ने कहा कि अरे बेटे ये कलयुग आ गया है, पता नहीं प्रकृति अपना रूप क्यों बदल रही है। प्रकृति अपने आप ही रूप अपना बदल रही है, क्यों, क्या हो रहा है, प्रदूषण, इसकी वजह से तो है ना। तो ये यहाँ पे ये दादाजी है वो भी वही बात बता रहे हैं कि अभी पृथ्वी के ऊपर हम लोग रहते हैं, लेकिन प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रही है ना। तो ये यहाँ तक हम रखते हैं, आप सबको समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही, आ रही है, सब अच्छे है, सबको समझ में आ रही है ना बात। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दादाजी जो बात बोल रही वो भी सही है, अनुपमा भी बता रही है कि ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रहे है ना। तो उसकी बात भी सही है, क्या लगातार क्या बढ़ता जा रहा है, भूल गए सब, क्या बढ़ता जा रहा है, अरे याद है सबको, प्रदूषण। ओके, तो इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम की वजह क्या है, प्रदूषण। तो इसके वजह से ये सब क्या हो रहा है, तो पूरी पृथ्वी में बुखार आ रहा है, और पृथ्वी को इसी वजह से बुखार आ रहा है। तो ये जो पार्ट वन है वो हम यहाँ पे रखते हैं, पार्ट नंबर वन है वो हमारा यहाँ तक हम रखते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय। सबको समझ में आ गई नहीं ये बात,
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।